हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट अपडेट कैसे करना है ऑनलाइन। तो आपको भी अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालना है तो आपको सबसे पहले एग्जिट डेट अपडेट करना होता है। या आपके पीएफ अकाउंट में एक से ज्यादा मेंबर आईडी और पहले वाले मेंबर आईडी का पैसा प्रेजेंट मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है तो आपको पहले वाले मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट करना होता है, जो कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे अपने पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल से पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखना और लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं मेरे पीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट में लॉग इन कर लिया हूँ यूनिफाइड पोर्टल की वेबसाइट पे। तो यूनिफाइड पोर्टल की वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो लिंक पे क्लिक करके सीधा आप यूनिफाइड पोर्टल की वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यूनिफाइड पोर्टल की वेबसाइट पे आने के बाद, जो कि सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट का यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल के और लॉगिन ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है यूनिफाइड पोर्टल पे। तो लॉगिन करने के बाद पीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट अपडेट करने से पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट का जो कि सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेना है। जो कि सर्विस हिस्ट्री चेक करने के लिए व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके, जो कि दूसरे नंबर पे सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, तो सिंपली आपको सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो कि क्लिक करते आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे पीएफ मेंबर के जो कि पीएफ अकाउंट का सर्विस डिटेल्स खुल के आ चुका है। जो कि हमारे पीएफ मेंबर के पीएफ अकाउंट में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पांच मेंबर आईडी शो हो रहा है। तो पांच मेंबर आईडी में से जो कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, चार मेंबर आईडी में जो कि एग्जिट डेट अपडेट है और पांचवे वाले मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट नहीं है। तो मैं आपको पांचवे वाले मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो कि आप जिस मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट कर रहे हो, अगर जो आपके पीएफ अकाउंट में एक से ज्यादा मेंबर आईडी है तो पहले वाले मेंबर आईडी के एग्जिट डेट से पहले एग्जिट डेट नहीं आना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हो चौथे वाले मेंबर आईडी में एग्जिट डेट है 30/12/2021। तो मैं पांचवे वाले मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट कर रहा हूँ। तो एग्जिट डेट में जो कि 12/2021 में जो कि 30 तारीख से पहले ज्वाइनिंग नहीं आना चाहिए, यह एग्जिट डेट नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो ओवरलैप का प्रॉब्लम हो सकता है और आपके पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा फंस जाएगा। तो आपको ये सब बातों को ध्यान में रख के अपने पीएफ अकाउंट के मेंबर आईडी में एग्जिट डेट अपडेट करना है। तो एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए ऑनलाइन सिंपली आपको जो कि ऊपर में मैनेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपको जो कि मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जो कि क्लिक करते आपको लास्ट में मार्क एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, तो मार्क एग्जिट के ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जो कि क्लिक करते आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मार्क एग्जिट का पेज खुल के आ चुका है। तो मार्क एग्जिट का पेज खुलने के बाद आपको सिंपली जो कि एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होता है, जो कि आपको सबसे पहले में सिलेक्ट द एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली आप जैसे सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करोगे, जितने मेंबर आईडी में आपका एग्जिट डेट अपडेट नहीं होता है वो मेंबर आईडी यहाँ पे आपको शो करता है। तो हमारे पीएफ मेंबर के केस में जो कि लास्ट वाले मेंबर आईडी, जो कि एक मेंबर आईडी में जो कि एग्जिट डेट अपडेट नहीं है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो मैंने मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लिया है। तो मेंबर आईडी सिलेक्ट करने के बाद जो कि एम्प्लॉयर का लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, जो कि मई 2023 को हमारे एम्प्लॉयर का जो कि लास्ट कंट्रीब्यूशन, तो जिस महीने का लास्ट कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है फ्रेंड्स, उस महीने का कोई भी एक डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो डेट सिलेक्ट करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो सिलेक्ट डेट देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो मई महीने में जो कि हमारे एम्प्लॉयर को एग्जिट डेट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कि आपने जिस डेट को लास्ट काम छोड़ा है फ्रेंड्स, जो लास्ट वर्किंग डे है, आपको लास्ट वर्किंग डे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं लास्ट वर्किंग डे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बहुत सारे पीएफ मेंबर्स को जो कि याद नहीं रहता है कि हम कौन से डेट को काम छोड़े, कौन सा लास्ट वर्किंग डे है हमारा, तो फ्रेंड्स आप उस महीने का लास्ट डेट ले सकते हो, जैसे कि 31 तारीख आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैं जो कि मई महीने के लास्ट डेट 31 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद जो कि नीचे में रीसिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको वही डेट सिलेक्ट कर लेना है जो आपने पहले डेट सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो कि नीचे में आपको सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। जैसे आप सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट पे क्लिक करोगे, चार ऑप्शन खुल के आ जाता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो सबसे पहला रीजन है रिटायरमेंट का फ्रेंड्स। अगर जो आपका एज 58 साल हो गया है, उससे ज्यादा हो गया है फ्रेंड्स, तो आप रिटायरमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रीजन है फ्रेंड्स सुपर नेशन का। अगर जो आप पेंशन धारक हो चुके हो तो आप सुपर नेशन का रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तीसरा रीजन है फ्रेंड्स परमानेंट डिसेबलमेंट। तो परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब है फ्रेंड्स, अगर जो आपका किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया है, आपका शरीर का कोई भी एक अंग काम नहीं कर रहा है या आप काम करने
करने के हालत में नहीं हो तो परमानेंट डिसेबलमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद चौथा रीजन है शॉर्ट सर्विस का फ्रेंड्स। तो शॉर्ट सर्विस आप अगर जो किसी कंपनी में एक साल काम करके छोड़ दिए या दो साल काम करके छोड़ दिए या तीन साल आप काम करके छोड़ दिए या पांच साल हो गया आप काम छोड़ दिए या आप वहाँ पे दस साल काम करके छोड़ दिए और आपको दूसरी जगह ज्वाइनिंग करना है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, सिटीजन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन। तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके भी आप एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हो। तो सिंपली मैं जो कि पीएफ मेंबर का भी सिटीजन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन का ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड, जो कि सिलेक्ट कर दिया हूँ आप देख सकते हो सिटीजन शॉर्ट सर्विस का। तो उसके बाद जो कि नीचे में ये चेकबॉक्स दिखता है तो ये चेकबॉक्स को भी आपको टिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ऊपर में एक अलर्ट खुल के आ जाता है फ्रेंड्स, जो कि ये अलर्ट में आपको परमिशन देना होता है यस या नो पे क्लिक करके। तो सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि क्लिक करते यहाँ पे सेंड ओटीपी प्लीज वेट लिखा हुआ आ जाता है फ्रेंड्स। जो कि कुछ टाइम वेट करने के बाद आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुली ओटीपी सेंड कर दिया जाता है 6 डिजिट का। तो यहाँ पे आपको एंटर द ओटीपी के सेक्शन में 6 डिजिट का ओटीपी फिल कर देना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने ओटीपी फिल कर दिया है 6 डिजिट का। तो ओटीपी फिल करने के बाद नीचे में ये चेकबॉक्स देखने को मिलता है तो ये चेकबॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जो कि क्लिक करते फिर से ऊपर में अलर्ट खुल के आ जाता है फ्रेंड, जो कि आपसे फिर से परमिशन मांगता है। तो अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको परमिशन दे देना। परमिशन दे देने के बाद जो कि कुछ टाइम प्रोसेसिंग होने के बाद डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है फ्रेंड, जो कि हमारे पीएफ मेंबर के मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको फिर से सर्विस हिस्ट्री एक बार चेक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे पीएफ मेंबर के मेंबर आईडी में, जो कि लास्ट वाले मेंबर आईडी में आप देख सकते हो एग्जिट डेट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से आपको अपने पीएफ अकाउंट के मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिट यानी रिजाइन डेट अपडेट करना है फ्रेंड्स। तो जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ईपीएफओ से रिलेटिव मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में।